फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग विद श्वेता। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ही आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी लड्डू। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये मैंने काजू और बादाम लिए थे जिनको मैंने पीस लिया है, आधी कटोरी चीनी, क्योंकि हम आधा लीटर दूध ले रहे हैं उसी के लिए हम आधी कटोरी की चीनी लेंगे। ये मैंने 4 चम्मच चावल लिए थे जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है और उसके बाद मैंने उसको पानी निकाल के उसको दरदरा पीस लिया है। आप देखेंगे ये बिल्कुल महीन नहीं पीसा हुआ है, इसको मैंने दरदरा पीसा है थोड़ा सा। ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है अगर आप इसको लेना चाहें तो, पर ये टेस्टी लगता है इसलिए मैंने इसको लिया है। मैंने 200 ग्राम खोया लिया है और मैंने 4 से 5 इलायची को पीस लिया है। तो आइए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। आपने फिरनी खाई होगी, आपने उसके लड्डू कभी नहीं खाए होंगे, तो आज हम ये नई चीज बनाने जा रहे हैं। और गणेश फेस्टिवल पे यूजुअली मोदक बनते हैं, लेकिन गणेश जी को लड्डू भी बहुत पसंद है, तो हम आज इसको लड्डू में की शेप में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे मोदक की शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर ये राइस जो हमने पीसे थे इसको ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पकने देंगे, बीच बीच में हम इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। और दूसरी तरफ अब हम खोए को भी शुरू कर देते हैं पैन के अंदर, इसको हमें भूनना है अच्छे से। तो हम बिल्कुल मुलायम करेंगे। मैंने इसके अंदर चीनी, खोए में मैं चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि खोए का अपना ही मिठास होती है, तो उतना काफी है उसके लिए। अब ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी मिला देंगे क्योंकि चीनी डाल के ये अभी थोड़ा सा और पतला होगा, उसको फिर हमें थोड़ा सा और हिलाना होगा। जब तक ये हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने इसको मावे को भून लिया था अच्छे से और अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है क्योंकि ये बहुत गर्म है, ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। फिर ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें की गैस ऑफ कर देंगे और हम ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर इसके अंदर मिला देंगे। थोड़ा सा मैंने रख लिया है जिससे मैं इसे गार्निश करूंगी। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। ये देखो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम साथ में इसमें ये इलायची भी मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं।
इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है और इधर हमारा ये फिरनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा देसी घी मैं हाथ में ले रही हूँ। इसकी हमें छोटी छोटी सी बनानी है बिल्कुल। ये देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम ये जो खोया है इसको इस तरीके से करके ये इसमें हम डालेंगे। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, और ये जो हमारा कोकोनट है, मैं जो थोड़ा सा पाउडर हमने ये रखा था ड्राई फ्रूट्स का, इसको भी इसी के अंदर ही मिला देते हैं। और इसके अंदर हम इसको अब लपेट देंगे। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं। ये हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसको पूरा बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको मोदक की शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं। एक को मैंने बीच में थोड़ा मोदक की शेप भी दी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको मैंने कोकोनट में नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है कोकोनट को। तो ये बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसको ठंडा करने के लिए आप इसे फ्रीज़र में या फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब ये बन जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद आप इसको स्टोर कीजिएगा। तो फ्रिज में ही रखिएगा क्योंकि खोया है, बाहर ख़राब हो सकता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए गणेश फेस्टिवल पर, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।